Hello everyone, welcome back once again to Neha's One Concepts. In today's video, we will do the concept of you, we and they. First of all, इसको हम ऐसे समझते हैं बच्चों, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हो, जैसे मैं अभी अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं उस केस में I को यूज़ करूँगी, I am नेहा, मैं नेहा हूँ, ठीक है? अगर मैं हूँ और मेरे साथ दो चार और लोग हैं, means अब मैं कलेक्टिव हूँ, जैसे मेरे साथ अ ग्रुप ऑफ पीपल है इंक्लूडिंग मी, तो हम उस केस में वी को यूज़ करते हैं, लाइक वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं. जब मैं एक से बढ़कर ज़्यादा हो जाएंगे, मेरे साथ और लोग भी आ जाएंगे, तो उसे वी से डिनोट किया जाता है, ठीक है? अब यू किस केस में यूज होगा? जब मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, जैसे यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे बच्चे हो. यू आर अ क्लेवर किड, तुम एक चालाक बच्चे हो. तो उस केस में यू को यूज किया जाता है और यू के साथ आर वर्ड यूज होता है. अब अगर तुम्हारे साथ और भी दो चार लोग हैं, और भी लोग हैं, कलेक्टिव हो तुम, उस केस में भी हम यू को ही यूज करते हैं. जैसे यू आर वेरी नाइस पीपल, ठीक है, तुम अच्छे लोग हो. तो जब हमने आई को यूज किया था अपने लिए, तो सिर्फ अपने लिए यूज करने के लिए मैंने आई को यूज किया. जब मैं कलेक्टिव हो गई, मेरे साथ और लोग हैं, तो हमने वी को यूज किया. बट यू के केस में चाहे तुम अकेले हो, चाहे तुम्हारे साथ और लोग भी हैं, हम यू ही यूज करते हैं, ठीक है? अब आते दे की बारी. दे तब यूज होता है जब हम थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हो. जैसे दूर खड़े कुछ लोग हैं, तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम दे का यूज करेंगे, ठीक है? जैसे दे आर इन द सेम क्लास, वो सभी एक ही कक्षा में हैं. तो उसमें ना तो मैं थी, आई भी नहीं था, ना उसमें तुम थे, यू भी नहीं था, वो थर्ड पार्टी थी. तो थर्ड पार्टी अगर, तो वो अकेला बंदा खड़ा है, ही है, शी है, तो आप ही शी को यूज करोगे. अगर वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल खड़ा है ना, तो उस केस में आप दे को यूज करोगे. अब एक बार दोबारा से समझते हैं. अगर मैं सिंगल हूं तो आई को यूज करूंगी, अगर मैं मेरे साथ कुछ और लोग हैं, तो मैं वी को यूज करूंगी. वी के साथ आर यूज होता है, वी आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है? अब चाहे तुम अकेले हो, चाहे तुम्हारे साथ ग्रुप ऑफ पीपल है, तुम यू को यूज करोगे और यू के साथ आर लगता है. जैसे यू आर वेरी गुड पीपल, या फिर यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय, इन सभी में आर को हमने यूज किया, चाहे तुम सिंगल हो, चाहे तुम्हारे साथ ग्रुप ऑफ पीपल है. दे तब यूज होगा जब हम थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पर भी अ ग्रुप ऑफ पीपल है. So I think the concept is clear. Now kindly open page number 56 and 57 of My English Reader of Class 1st DAV. I am Neha. मैं नेहा हूँ. You are Meeta. तुम मीता हो. ये देखो, नेहा ये है, मीता ये है. नेहा मीता को कह रही है तुम मीता हो. We are girls. हम दोनों लड़कियां हैं. We like birds. हमें पक्षी पसंद हैं. तो आपने देख लिया, जब अपने बारे में बात की नेहा ने, तो आई को यूज किया. मीता के बारे में बात की तो यू को यूज किया. दोनों के बारे में इकट्ठी बात की तो वी को यूज किया, ठीक है? नेक्स्ट, आई एम अनिल. मैं अनिल हूँ. यू आर रवि. तुम रवि हो. वी आर बॉयज. हम दोनों लड़के हैं. वी लाइक एनिमल्स. हमें जानवर पसंद है. नेक्स्ट, आई एम वाइट एंड ब्राउन. मैं सफेद हूँ और भूरी हूँ. You are white and brown. तुम भी सफेद और भूरी हो. We are ducks. हम दोनों बतके हैं. We say quack quack. और हम quack quack की आवाज निकालते हैं. I am a lion. मैं शेर हूँ. You are a deer. तुम हिरन हो. We are animals. हम दोनों जानवर हैं. We live in a jungle. हम जंगल में रहते हैं. रंजन is big. रंजन लंबा है. अनिल इज स्मॉल. अनिल छोटा है. दे आर इन द सेम क्लास. वो दोनों एक ही कक्षा में हैं. अब देखो, इस पिक्चर में ना मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, आई अपने बारे में बात नहीं कर रहा, ना यू के बारे में बात हो रही है, ना वी के बारे में बात हो रही है, थर्ड पार्टी के बारे में बात हो रही है. और थर्ड पार्टी के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? दे. नेक्स्ट, अनुज स्टैंड्स विद द बॉल. अनुज
गेंद लेके खड़ा है, राजू रन्स विद अ बैट, राजू बल्ला लेके भागता है, दे प्ले इन द पार्क, वे बगीचे में खेलते हैं। यहाँ पर भी थर्ड पार्टी के बारे में बात हो रही थी ना, सो दे वर्ड इज यूज्ड। इट इज अ मंकी, वह बंदर है, इट इज द काउ, वह गाय है, दे आर एनिमल्स, वे जानवर हैं। जब वे वर्ड आ जाता है ना वे, तो हम दे को यूज करते हैं, राइट। कंटिन्यू टू पेज 58। डू इट योर सेल्फ DIY, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली। वट डू नेहा एंड मीता लाइक, नेहा और मीता को क्या अच्छा लगता है? आंसर इज नेहा एंड मीता लाइक बर्ड्स। क्वेश्चन में से हमने नेहा एंड मीता लिख लिया, नेहा एंड मीता लाइक बर्ड्स। वट डू अनिल एंड रवि लाइक, अनिल और रवि को क्या अच्छा लगता है? अनिल एंड रवि लाइक एनिमल्स, अनिल एंड रवि लाइक एनिमल्स। क्वेश्चन सी, वेयर डू एनिमल्स लिव, जानवर कहाँ रहते हैं? क्वेश्चन में से हमने ले लिया एनिमल्स लिव इन अ जंगल, एनिमल्स लिव इन अ जंगल। वेयर डू राजू एंड अनुज प्ले, राजू और अनुज कहाँ खेलते हैं? राजू एंड अनुज प्ले इन द पार्क, राजू एंड अनुज प्ले इन द पार्क। हु आर इन द सेम क्लास, एक ही कक्षा में कौन है? रंजन एंड अनिल आर इन द सेम क्लास, रंजन एंड अनिल आर इन द सेम क्लास। हु आर व्हाइट एंड ब्राउन इन कलर, कौन सफेद और भूरे रंग के हैं? Ducks are white and brown in color. Ducks are white and brown in color. So with this, we have covered the concept of you, we and they. I hope you all have enjoyed the video. We will meet in the next video. Till then, happy learning. Bye-bye.